नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वज्रेश्वरी में हैं, जो मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की भैरव साधना का आयोजन किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। तो आज इस जगह पर सुबह 4:30 बजे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और विषय है होलाष्टक। होलाष्टक एक ऐसा समय होता है कि 8 दिन इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, और हमारे शास्त्रों में शुभ कार्य करने के लिए वर्जित कहा गया है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि होलाष्टक में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो ये है कि किसी भी प्रकार का शुभ कार्य इसमें आप नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का मंगल कार्य आप नहीं कर सकते। शुभ कार्य का अर्थ है कि किसी भी किस्म की पूजा, आध्यात्मिक पूजा, वैदिक पूजा आप नहीं कर सकते। मंगल कार्य का अर्थ है शादी विवाह जैसे कार्य, मुंडन जैसे कार्य आप नहीं कर सकते। तीसरा है होलाष्टक के दिनों में गर्भ धारण करना अशुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर गर्भ धारण होलाष्टक में हुआ है तो बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें तो मेन मानी जाती हैं। जाहिर है कि कोई भी शुभ कार्य अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके का किसी भी कार्य की शुरुआत करना अलाउड नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये होलाष्टक का समय उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो साधक हैं, जो तंत्र के क्षेत्र में हैं, उनके लिए होलाष्टक का समय बहुत ही उपयोगी है, या हम कह सकते हैं या उनके लिए अमृत मुहूर्त है। तो होलाष्टक के जो 8 दिनों में आप किसी भी किस्म की दक्षिण मार्गी समस्या, दक्षिण मार्गी साधना, तंत्र मार्ग की साधना आप कर सकते हैं, वैदिक साधना को छोड़कर। आप शत्रु निवारण प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि अघोर लक्ष्मी साधना कर सकते हैं। ऐसे अपनी सुरक्षा के लिए जितनी भी साधना आती हैं तंत्र प्रयोग की, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी साधनाएं होती हैं ये घर के मंदिर में नहीं करते हैं, घर के मंदिर में नहीं कर सकते हैं। आपको 8 दिन घर के मंदिर में बैठकर किसी भी किस्म की साधना नहीं कर सकते हैं। आप अपने रूम में, किसी अलग रूम में, अलग कमरे में, अलग स्थान में, सुनसान स्थान में, घर के बाहर किसी भी जगह पर कर सकते हैं, लेकिन घर में, पूजा घर में ये साधना आप नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होता है। तो सिंपल नियम याद रखें कि आप किसी भी किस्म का शुभ कार्य, मंगल कार्य और गर्भधारण इन दिनों में, 8 दिनों में अलाउड नहीं है, होलाष्टक के दिनों में। इसके अलावा तंत्र क्षेत्र के जितने भी साधक हैं वे अपनी साधनाओं को कर सकते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनको करना ही चाहिए। अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, सफल होना है, तो तंत्र क्षेत्र की सभी प्रकार की साधनाओं को करना चाहिए। खाली इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में साधना न करें। आशा है ये टिप आपके काम आएगी। धन्यवाद।